नमस्ते, मैं डॉक्टर दिव्या सुरेंद्रन, वैज्ञानिक टीम मौसम केंद्र भोपाल। प्रदेश के मौसम के बारे में देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के कुछ जगहों में भारी और अति भारी बारिश दर्ज किया है। वेस्ट एमपी में देखा गया तो फेयरली वाइड स्प्रेड बारिश दर्ज किया है। 29 डिस्ट्रिक्ट से थंडरस्टॉर्म रिपोर्ट है और सबसे ज्यादा बारिश हुआ शिवपुरी में 117 मिलीमीटर, वेरी हैवी रेनफॉल है और 13 स्टेशन से हैवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ। ईस्ट एमपी में देखा गया तो भी वाइड स्प्रेड बारिश हुआ है, 24 डिस्ट्रिक्ट से थंडरस्टॉर्म दर्ज किया है, 3 स्टेशन से वेरी हैवी रेनफॉल है, 13 स्टेशन से हैवी रेनफॉल है। सबसे ज्यादा बारिश हुआ कटनी में 173.2 मिलीमीटर। टेम्परेचर सबसे अधिकतम तापमान ग्वालियर में रिपोर्ट हुआ है वेस्ट एमपी में 35.8 डिग्री और ईस्ट एमपी में निवाड़ी में 36.2 डिग्री दर्ज किया गया। अभी सिस्टम के बारे में देखा गया तो मानसून ट्रफ का पोजीशन अभी भी ऊपर है मध्य प्रदेश की तरफ देखा तो मानसून ट्रफ अभी श्री गंगा नगर, रोहतक, हरदोई, वाराणसी, देहली, बांकुरा जैसे मतलब एमपी के ऊपर से चालू है और कल जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हम जो बोल रहे थे यांजेटिक वेस्ट बंगाल वाला, वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी थोड़ा अंदर की तरफ मूव हो रही है वेस्टर्न साइड में टूवर्ड्स द ट्रफ लाइन और उसके ये आने वाले 24 आवर्स में मतलब कुछ खंडों में ये लो प्रेशर में कन्वर्ट होने का चांसेस है और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन से वेस्टर्न यूपी की तरफ एक दूसरा ट्रफ लाइन भी चालू है, वो हायर लेवल पे भी दिखाई दे रही है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर है और जब सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो 4.5 तक परसिस्टिंग है और वहाँ से एक ऑफशोर ट्रफ भी नीचे सदर्न केरला तक परसिस्टिंग है। तो ये अंदर आ रही है जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो में कन्वर्ट होकर अंदर आने का चांसेस है, इसलिए ईस्टर्न एमपी का काफ़ी रीजन में मेनी टू मोस्ट प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है और साथ साथ हेवी टू वेरी हेवी और कुछ कुछ जगहों पर हमें एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का भी प्रपोजल दे रही है। वेरी हेवी रेनफॉल मेनली नॉर्थ ईस्ट एमपी का सारे डिस्ट्रिक्ट और एक्सट्रीमली हेवी बेसिकली छतरपुर, पन्ना, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी और ये रीजन में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का चांसेस है और बाकी डिस्ट्रिक्ट जैसे सागर, दमोह, नर्मदा, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुना यहाँ पे भी आइसोलेटेड हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का चांसेस है और ग्वालियर चंबल रीजन में भी ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट में एक्सेप्ट मुरैना और दतिया आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस रहेंगे कल के लिए। और वेस्ट एमपी में जैसे भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल ये रीजन में भी आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस रहेंगे कल के लिए। और तीसरे मतलब 3 तारीख को देखा गया तो भी ये सिस्टम और अंदर आ रही है तो डिस्ट्रीब्यूशन मेनली मेनी टू मोस्ट प्लेसेस में रहेंगे ईस्ट से सेंट्रल एमपी के काफ़ी रीजन में और ऊपर वाले रीजन में भी मेनी प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है और रेड वार्निंग हमने स्पेशली दिया है यही रीजन में मतलब सेंट्रल एमपी में देखा गया तो नर्मदापुरम और रायसेन में रेड सिग्नल है और बाकी ईस्टर्न एमपी में छिंदवाड़ा, शिवनी, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर ये रीजन में भी आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का चांसेस है, हेवी टू वेरी हेवी का भी चांसेस है। बाकी जो रीजन टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, पन्ना, दमोह, सागर ये रीजन में आइसोलेटेड हेवी टू वेरी हेवी और साउथ ईस्ट एमपी का मंडला, बालाघाट, पांडुना ये रीजन में भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का चांसेस रहेंगे। बाकी नॉर्थ ईस्ट रीजन में मेनली वो आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल में रहेंगे और वेस्ट एमपी में देखा गया तो ग्वालियर चंबल का ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट और देवास और झाबुआ ये रीजन में भी ऑरेंज वार्निंग जारी कर रही है, हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का चांसेस है। बाकी डिस्ट्रिक्ट जैसे नीमच, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, धार, उज्जैन, खंडवा, राजघाट, शाजापुर ये रीजन में आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस है और 4 तारीख को ये सिस्टम और थोड़ा आगे जाएंगे, इसका इंटेंसिटी कम होगा लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन मेनली साउथ से वेस्ट वेस्ट की तरफ मूव हो जाएगा। सो वेस्ट में जैसे अलीराजपुर, झाबुआ, थार, नीमच, इंदौर, देवास ये रीजन में मोस्ट प्लेसेस में बारिश का चांसेस है, बाकी रीजन में मेनी टू मोस्ट प्लेसेस में भी बारिश का चांसेस है।